कि बहुत मेहनत करी हमने, बजरंग दलों की पार्टी से जो कोई नहीं निकाल सकता, एक वोर जुन है जो अपने वक्त आने पे काम दिया। क्या कर रहे हो ऑफिस में बैठकर? सबके बारे में बहुत अच्छा, नहीं तो आम आदमी पार्टी का नुकसान चाहता हूँ, ना ही मैं किसी और का नुकसान चाहता हूँ। मैं जानता हूँ उसको अच्छी बात, मैं जानता हूँ कि उसका सट्टा चलता है पार्टी से निकाल दिया है या फिर कि ऑफिस में आना जाना बंद हो। मौजूद है अर्जुन सिंह चौहान जो कि विधायक प्रतिनिधि रहे और आम आदमी पार्टी में रहकर बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किए, इनके कार्यों की सराहना आज भी पूरी त्रिलोकप्रिय विधानसभा में जन जन तक हो रही है, लोग कर रहे हैं। वहीं अर्जुन सिंह चौहान, मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैं चाहता हूँ अर्जुन जी, जो आपके ऊपर एक लगातार चर्चा चल रही है कि एक आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ आरोप लोग कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार आप उनसे ही पूछे, क्या किस चीज़ का भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर त्रिलोकपुर विधानसभा में? जैसा कि मुझे भी आपके माध्यम से पता लगा और दो चार लोगों से पता चला निकाल दिया है या फिर कि ऑफिस में आना जाना बंद है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ना ही तो आज तक भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी बहुत मुझे इतना पता है, आज तक मैंने कभी भी काम किया है सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम किया है, आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है और विधायक रोहित मेहरोले के लिए काम किया है, ना ही तो मैंने कभी भ्रष्टाचार अपने नाम से नाम बट सुना है और ना ही मैंने कभी देखा है। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं अर्जुन को पार्टी से निकाल दिया, अर्जुन को किसी ने किसी से पार्टी से नहीं निकाला गया, ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं आपको सिंपल सा एक बात बोलना चाहूँगा कि पार्टी से उन लोगों को निकाला जाता है जिन लोगों के ऊपर संवैधानिक पद हुआ करता है, जैसे कि जैसे मैं उनका कोई काउंसलर नहीं हूँ, कोई सांसद नहीं हूँ, कोई विधायक नहीं हूँ, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल के पास, हमें आप पदों से हटा सकते हो लेकिन अरविंद केजरीवाल के और हमारे जो हमारे दिलों में जो बसे हुए हैं उनको नहीं निकाल सकते आप। दूसरी बात, अगर रही बात हमारे पास जो आरोप होगी, आरोप के बारे में आप बताइए, कौन सा ऐसा एक आरोप है जिसके बारे में आपको पूरी शालीनता से बता सकूँ। बात बताना चाहूँगा, क्या कहा आपने, ये सट्टे के ऊपर बताई मुझे, आप एक चीज़ बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास कि अर्जुन चौहान सट्टे वाले से पैसा लिया करता था? कोई मेरे पास किसी चीज़ की ट्रांजेक्शन है, कोई फ़ोन पे करा हो, पेटीएम करा हो, गूगल पे करा हो, जैसे बहुत सारी आजकल इंटरनेट सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रही हैं, आपके पास कोई सबूत है? या तो फिर आप एक काम कीजिए, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे सट्टे वाले का भी इंटरव्यू लो ना कि आप अर्जुन चौहान को अच्छी बात, मैं जानता हूँ कि उसका सट्टा चलता है लेकिन वो मुझे नहीं जानता होगा सही से। और रही बात जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि अर्जुन सट्टेबाज सट्टे पैसे लेता था, तो आप मेरे को एक प्रूफ दिखा दीजिए, आपके पास कोई प्रूफ है? तो मैं खुद कह रहा हूँ चीज़ को कि जो अरविंद केजरीवाल जी फैसला लेंगे, मैं उसको अपने आप खुद कह रहा हूँ कि उसको बहुत शालीनता से मैं अपने आप को पार्टी से खुद कह दूंगा, जिसे मेरा ये भ्रष्टाचार मैंने किया था, इसके लिए मैं अच्छी तरह पार्टी में अपने आप को अनुमन नहीं करा सका, इसलिए मैं पार्टी खुद छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं तो आम आदमी पार्टी का नुकसान चाहता हूँ, ना ही मैं किसी और का नुकसान चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्जुन चौहान किसी और पार्टी में भी जाने की इच्छा रखते हैं, शायद भाजपा में ना चले जाएं। ऐसा सर नहीं, भाजपा की बात देखो, हमने आज भी हमारे दिल में अरविंद केजरीवाल बसे हुए हैं, और जब हम फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल से मिले थे ना तो मैंने जानते थे कौन है कहाँ से आए, क्या करना है, कुछ नहीं, पर हम सिर्फ इतना जानते थे कि ये आदमी एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा और वो कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री भी होंगे, ये बात मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमने पार्टी के लिए काम किया। और रही बात दूसरी पार्टी की, तो अर्जुन चौहान बस कहना चाहता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं तो आम आदमी पार्टी का नुकसान चाहता हूँ, ना ही मैं किसी और का नुकसान चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि अर्जुन ने ऐसा कर दिया, अर्जुन ने वैसा कर दिया, अर्जुन ने वैसा कर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो ऑफिस में बैठकर? सबके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि एक चुप्पी बहुत लोगों को रहती है, तो इसलिए मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, सिर्फ मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपने जो कर लिया करते रहो, अर्जुन को कोई ना तो आज तक आपने अर्जुन ही नाम सुना है ना, अर्जुन एक वो अर्जुन है जो अपने वक्त आने पे काम दिखाएगा, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करना चाहता और वो भी अपने घर में चुपचाप बैठा अपनी एक जॉब कर रहा है, उसे जॉब करने दिया जाए बस, और किसी चीज़ और रही पार्टी से अर्जुन कोई नहीं निकाल सकता और ना ही वो निकला है और ना ही निकलेगा वो। तो जब आप अरविंद केजरीवाल के कामों से इतने प्रभावित हैं, तो अभी चुनाव का मौसम आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो क्या उसमें भूमिका आपकी रहेगी? देखो भूमिका रहेगी ऐसी बात नहीं है, हमें देखो हम पार्टी टिकट किसी को भी दे, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टिकट, देखो पार्टी जो डिसीजन लेगी वो बहुत अच्छा डिसीजन लेगी, हमें तो उसके साथ मिलजुल के काम करना है और उसे आगे कराना भी है। और ये बात मेरी पार्टी में जाने की, देखो सर अरविंद सर, ना ही तो मैं आपको और ना ही अपनी पार्टी को बदनाम करूँगा, सिर्फ मुझे इतना पता है जो लोग मेरे पे आरक्षण उड़ा रहे ना बेखामती का कि अर्जुन ने भ्रष्टाचार कर दिया, अर्जुन पे ये आरोप है वो आरोप है, मैं उनको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि अर्जुन भाजपा ज्वाइन करने वाले सर, करी तो नहीं है अभी, जिस दिन करूँगा उस दिन सोशल मीडिया पे डालूंगा, नहीं उस दिन ऑन द स्पॉट दिखा दूंगा प्रदेश कार्यालय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बस। लेकिन अभी यह है कि अभी मूड बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी इन बातों पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया, मुझे जो जिन लोगों ने वेट कराने के लिए बोला गया कि भाई रुक जाओ अभी पास, अभी आपका परिवार है, आप परिवार से जुड़े हुए हो और आपने इतने सालों मेहनत करी है, मुझे इतना पता है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता,
लेकिन इस पार्टी में कुछ लोग, पार्टी में नहीं हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा, पार्टी में तो सब कुछ ठीक है, हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में कुछ कुछ ऐसे लोग बस चुके नहीं हमारे ऑफिस में हैं अभी भी, कि जो लोग हमें वहाँ पसंद नहीं करते हैं। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अर्जुन तुम्हारे लिए कहाँ गलत था, सिर्फ इतना इसलिए बता दो कि जो लोग, जो तुम बोलते थे वो अर्जुन तुम्हारे लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। अपने दिन मत बोलो कि जब जब तुम उसे अर्जुन को याद करते थे, जब जब अर्जुन वहीं खड़ा रहता था, अपने अपने घर परिवार को नहीं देखा आज तक उन्होंने, लेकिन वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। क्या माना जाए कि कुछ लोगों को ईर्ष्या है आप लोगों से आपसे? हो सकता है, मेरे को तो नहीं लगता कि अर्जुन ने हमेशा किसी के साथ में कोई गलत तो किया नहीं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, पर मेरे को इतना पता मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं करा होगा। और मेरे को यहाँ तक कि सोचो सर, हमारे ऑफिस पूरे स्टाफ के अंदर अगर आपको मैं गलत लगता हूँ ना, तो ऑफिस में एक एक बंदे के पास जाकर पूछ सकते हैं कि अर्जुन गलत है या नहीं है। सिर्फ गलत वही बोलेंगे, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, सिर्फ दो तीन परिंदे ऐसे हैं ऑफिस के अंदर जो पसंद नहीं करते कि अर्जुन रहे, क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन रहेगा तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ जो विधायक जी के साथ। और रही बात विधायक जी की, मैं ना तो विधायक जी का भी गलत था और ना हूँ और ना रहूँगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो तो लोग भड़का रहे हैं ना विधायक जी को, अर्जुन ने वैसा कर दिया, अर्जुन ने विधायक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपके पास जब पक्के सबूत हो ना तब अर्जुन को बोल देना कि तेरे देख ये तेरे सबूत है और ये मैंने देखा, ये मैंने करा है, और इसलिए मैं तेरे को मैं ये सब डिसीजन लेने पड़े। तो मैं आप सबके माध्यम से मीडिया के भाई, हमारे बीके न्यूज़ वाले भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे घर पर आए, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि अर्जुन भाई आप पार्टी से ना जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं पता है कि आपने बहुत मेहनत की है, और मैं भी इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए। और सिर्फ मुझे इतना पता है कि आज से पहले कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, आज से पहले बेशक मैं बजरंग दल में था, अच्छे मैं बजरंग दल, हमने नींव रखी थी यहाँ पे त्रिलोकपुरी के अंदर, कोई हमारे पहले बड़े भाई हमारे प्रेम गुप्ता जी हैं, अजय गुप्ता भाई थे, आज हमारे बीच नहीं अजय गुप्ता जी, पर लेकिन हमें इतना पता है कि बहुत मेहनत करी हमने बजरंग दल खड़ा करने के, लेकिन जो हमारे विधायक जी हमारे जब पार्षद बने, तो पार्षद बनते बनते वो विधायक भी बने, हमने उनका साथ दिया, दिन रात एक करा, जितवाया, और आज भी वो बहुत अच्छे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पर लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा, विधायक जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेखमती की अफवाह में ना करके, जब तक आपके हाथ में कोई अपने कानों से और अपने आंखों से ना देखें तब तक किसी बात पर विश्वास ना करें। धन्यवाद। तो सर, हमारे ऊपर आरोप लगाने वालों के पास कोई भी पुख्ता सबूत हो तो मुझे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि झूठे आरोप लगाना जैसी बात है, कुछ लोगों की मंशा होती है किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कोई ऊपर बढ़ा है तो उसको लोग गिराने की कोशिश करते हैं। तो इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के कामों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है पुख्ता कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरी किसी पार्टी में जाऊँ, लेकिन अगर पार्टी ने नहीं सुनी तो फिर ये जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। धन्यवाद।